में बैठ के मैं आ गया हूँ हवा इस बस में, और ये है जी तुर्की इस्तांबुल में। डायरेक्ट बस ने जो है वो ड्रॉप किया है ताक्सिम स्क्वायर पे, और ये ताक्सिम स्क्वायर का व्यू है। लोग टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं ताक्सिम स्क्वायर में, फुल ऑफ टूरिस्ट है ये। ये है जी ताक्सिम स्क्वायर के पास इस्तिक्लाल स्ट्रीट। इस्तिक्लाल स्ट्रीट जो है ये फुल ऑफ क्राउड रहती है, ये आप देख सकते हैं, फुल ऑफ टूरिज्म एंड फुल ऑफ क्राउड। ये टूरिस्ट का मेन हब है इस्तिक्लाल स्ट्रीट। ट्रैम्प लाइन के ऊपर चलना जो है ना वो सही नहीं है, ट्रेन जो है पीछे से आगे हिट कर सकती है। अभी हम लोग जा रहे हैं ताक्सिम स्क्वायर वाली साइड पे। तुर्की आकर मेन ट्राई करने वाली चीज़ जो है वो है तुर्किश शॉर्मा, और तुर्किश शॉर्मा जो है वो मस्ट ट्राई करने वाली चीज़ है। ये आप मेरे बैग पे देख सकते हैं तुर्किश शॉर्मा। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ और आपको टेस्ट करके बताऊँगा ये कैसा है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो लेट्स सी। स्पेशल तुर्किश शॉर्मा ऑन इस्तिक्लाल स्ट्रीट। बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी हुई है ये ताक्सिम स्क्वायर के बिल्कुल साथ, और ट्रैम्प जो है वो फिर आ गई है ट्रैम्प लाइन पे, ये रेड ट्रेन। ये बहुत अमेजिंग है ये वाली। ये तुर्की की यूरोपियन साइट है। तुर्की की दो साइट्स हैं, एक यूरोपियन साइट है और एक एशियन साइट है। तो ये तुर्की की यूरोपियन साइट है।
मैंने ले लिया है तुर्किश शॉर्मा, बीफ शॉर्मा, और आपको खा के ट्राई करूँगा, बताऊँगा कि कैसा है। बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही टेस्टी है। लोगों के यहाँ पर रश लगी हुई है और आप देख सकते हैं ये मिला है 50 लीरा में ये मिला है, और खा के आपको ट्राई करके बताएंगे कैसा है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही अमेजिंग है, और इस तक ताकसिम स्क्वायर पे ही आपको मिलेगा बीफ का और चिकन का शॉर्मा, टुर्की शॉर्मा, रियली बहुत अमेजिंग है। 50 लीरा में इतना ज़बरदस्त और इतना सुपर टेस्ट, दिस इज़ अमेजिंग। टूरिज्म के लिए ये ट्रेन यूज़ करना बेस्ट है। ये मेरे बैग पे ताकसिम स्क्वायर का राउंड बोर्ड है और यहाँ पे लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, और बहुत ही अमेजिंग जगह है ये। अभी ताकसिम स्क्वायर से मैं जाऊँगा गिलाटा टावर, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तकरीबन 15-18 मिनट्स यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, और वेदर भी बहुत अच्छा है, और साथ में इतना टूरिज्म के साथ, और तुर्की का वॉकिंग जो टूर है वही सबसे एंजॉयबल है इस्तांबुल का। इस्तांबुल में अगर आप बस या ट्रेन यूज़ करते हैं तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आपको मतलब वॉकिंग टूर लेने का आएगा।